आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। यूक्रेन में रूसी समर्थक अलगाववादियों की ओर से गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में यूक्रेन के दो सैनिक के मारे जाने की खबर है। यूक्रेनी सेना ने कहा है कि शनिवार को पूर्वी यूक्रेन में रूसी समर्थक अलगाववादियों की ओर से की गई गोलीबारी में दो सैनिक मारे गए हैं और चार घायल हो गए हैं। रूस समर्थकों की इस कार्रवाई ने इस सप्ताह हिंसा की आशंकाओं को जन्म दे दिया है। यूक्रेनी सेना ने अपने फेसबुक पेज पर कहा है कि उसने पिछले 24 घंटों में 66 मामलों की तुलना में दिन की शुरुआत से अलगाववादियों की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन के 70 मामले दर्ज किए हैं। सेना ने कहा है कि अलगाववादियों ने भारी तोपखानों का उपयोग करके अग्रिम पंक्ति के साथ 30 से अधिक बस्तियों पर गोलियां चलाईं, जो लंबे समय से चल रहे संघर्ष को ठंडा करने के उद्देश्य के लिए किए गए समझौतों के खिलाफ है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की पार्टी के प्रवक्ता ने शनिवार को एक अपने बयान में कहा कि संघर्ष वाले इलाकों का दौरा करने वाले सांसदों और विदेशी मीडिया के एक समूह पर हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें शेल्टर होम ले जाना पड़ा। उधर अलगाववादियों ने सोशल मीडिया टेलीग्राम पर यूक्रेन पर अलगाववादी नियंत्रित क्षेत्रों में गोलीबारी करने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्हें उसी के अनुसार जवाब देना होगा। इस सप्ताह सरकारी बलों और अलगाववादियों को विभाजित करने वाली लाइन के पार गोलीबारी की घटनाओं में तेजी देखी गई है, जिसे यूक्रेनी सरकार ने उकसावा बताया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को पूर्वी यूक्रेन में एक गाड़ी के अंदर जोरदार धमाका हुआ था। ये घटना पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क शहर में हुई थी, जहां पर रूस समर्थित अलगाववादियों ने कब्जा जमा रखा है। ये गाड़ी क्षेत्र सुरक्षा के प्रमुख डेनिस सिनेको की बताई गई है। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन में गैस पाइपलाइन के एक हिस्से में आग लग गई है। अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि रूस फॉल्स फ्लैग अभियान के तहत यूक्रेन पर धावा बोल सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि फॉल्स फ्लैग अभियान का मतलब ये होता है कि कोई देश खुद ही अपने क्षेत्र पर हमला करे और फिर किसी दूसरे देश पर इसका आरोप लगा दे, फिर उस हमले के आधार पर जवाबी कार्रवाई कर दी जाए। जब से रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी का माहौल शुरू हुआ है, पश्चिम के कई देश लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि रूस फॉल्स फ्लैग अभियान के तहत यूक्रेन पर हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।